नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कोरोना की स्थिति पर संसद में आज स्वास्थ्य मंत्री बयान देंगे। संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे मनसुख मांडविया, पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में बयान देंगे स्वास्थ्य मंत्री। तो कोरोना की क्या स्थिति है देश में, इसे लेकर आज स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से बयान दिया जा सकता है। आपको बता दें कि कल स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से एक बड़ी बैठक ली गई थी जिसमें तमाम विशेषज्ञ भी मौजूद थे और जिस तरीके से दुनिया भर में कोरोना का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, उसे लेकर भारत में क्या तैयारी है, भारत में क्या स्थिति है, उसे लेकर आज दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से बयान दिया जाएगा। तो पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में बयान देंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। आज प्रधानमंत्री की तरफ से भी कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी, लेकिन उससे पहले मनसुख मांडविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री है वो आज दोनों सदनों में बयान देंगे। कल बड़ी बैठक की गई थी जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भी चर्चा हुई, तमाम विशेषज्ञों की तरफ से फीडबैक लिया गया, राय ली गई और आज स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दोनों सदनों पर बयान दिया जाएगा। क्या स्थिति है भारत में, जो मरीज है उनकी क्या स्थिति है और कैसे इंतजाम है, आने वाले समय में अगर स्थिति बनती है तो क्या तैयारी है भारत में इसके लिए, इसे लेकर भी आज बयान दिया जाएगा। और कल इन्हीं सभी बिंदुओं पर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से चर्चा की गई थी। और कोरोना को लेकर एक्शन में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। कोरोना पर प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है, आज दोपहर 3:15 पर हाई लेवल मीटिंग होनी है। स्वास्थ्य मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे, कोरोना के नए वेरिएंट की समीक्षा होगी। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 3 बजे के बाद कोरोना पर ये बड़ी समीक्षा बैठक बुलाई गई है जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहेंगे। और कैसा नया वेरिएंट है, इसे लेकर क्या और जानकारी है, इसे लेकर प्रधानमंत्री को जानकारी दी जाएगी और क्या कुछ स्थिति है भारत में इसकी, इसे लेकर भी प्रधानमंत्री की तरफ से जानकारी दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे तो कोरोना पर टीम 9 के साथ बैठक में सीएम योगी का ट्वीट अब सामने आया है। बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर रोग से ग्रसित लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए। भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर मास्क के लिए जागरूक करें। आपकी सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई निरंतर जारी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट आप देख सकते हैं। आज टीम 9 के साथ उन्होंने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की जिसके बाद सीएम योगी ने ये ट्वीट किया और उत्तर प्रदेश की जनता से यह अपील की है कि सुरक्षा और सतर्कता बनाए रखें। ये ट्वीट आप देखिए, बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर रूप से ग्रसित लोगों का विशेष ध्यान रखें। भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर मास्क के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए और यूपी गवर्नमेंट द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु सभी संभव प्रयास निरंतर जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट, कोरोना को लेकर उन्होंने लोगों से अपील की है कि समय से जो सुरक्षा है उसे अपनाया जाए और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना के विरुद्ध हम सभी की लड़ाई निरंतर जारी है। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक की जिसमें स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे और उसके बाद ये ट्वीट सीएम योगी की तरफ से किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें। कोरोना पर सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की और बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक बोले हैं कि सभी अस्पतालों को तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं, सभी ऑक्सीजन प्लांट को सही रखने के निर्देश दिए हैं। चिंता की बात नहीं है, अभी भारत में समस्या नहीं है, हम पहले से सतर्क रहे और इसीलिए तैयारी की गई है, अभी एडवाइजरी जारी की गई है। बृजेश पाठक की तरफ से ये जानकारी दी गई, अगर समय में आवश्यकता पड़ी तो सख्ती की जाएगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक का ये बयान सामने आया है जो कि टीम 9 की जो बैठक हुई थी कोरोना को लेकर उसमें भी शामिल हुए थे। आज कोविड को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो जो कोविड को लेकर के दुनिया के दूसरे हिस्सों से खबरें आ रही हैं उनको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही है। हमने ऐसे सभी स्थल जहां भीड़ भाड़ वाले। और चलिए सीधी लाइव तस्वीरें लोकसभा से आपको दिखाते हैं जहां कोरोना को लेकर अपना बयान रख रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले एक साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,000 कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं।
जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड 19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड 19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पॉन्स पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड 19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नज़र रख रहा है। कोविड 19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सिक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सिक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़ा कदम उठाया जा सके। आने वाले त्यौहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैम्पलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियमन नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सदन के सभी साथियों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूँ। सभी माननीय सदस्य लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारा दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री निशिकांत दुबे जी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइए, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। निशिकांत जी, तथा देवघर भाग के पिछड़ेपन की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह भाग मेरे लोकसभा क्षेत्र चुनाव क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति अत्यंत दुर्लक्षित है, जबकि वास्तव में प्राचीन समय से यह संपूर्ण क्षेत्र हमारी प्राचीन शिक्षा तथा सामाजिक नीति नियमों
तो लोकसभा से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने अपना बयान रखा, दुनिया में 5 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोरोना वायरस समय समय पर अपना रूप बदल रहा है। देश भर में, दुनिया भर में जो स्थिति देखने को मिल रही है, भारत की अगर बात की जाए तो भारत में जो हालात हैं वो नियंत्रण में है। अगर आने वाले समय में स्थिति बढ़ती है तो इसके लिए भी भारत तैयार है। 220 करोड़ जो वैक्सीन है वो लग चुकी है और कोविड प्रबंधन से महामारी रोकने में मदद मिली है। ये तमाम बड़ी बातें हैं जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से लोकसभा में रखी गई। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज बैठक की है। स्वास्थ्य विभाग के साथ कोरोना को लेकर बैठक हुई। टीकाकरण पर सीएम धामी ने जोर दिया, ट्रैकिंग और टेस्टिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं और नियमों के सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में भी कोरोना को लेकर अलर्ट जारी हो गया है और आज सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कोरोना को लेकर ये समीक्षा बैठक की गई, जिसमें तमाम दिशा निर्देश दिए गए। ये भी कहा गया कि टीकाकरण पर आने वाले समय में जोर दिया जाए, ट्रैकिंग और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश भी सीएम की तरफ से दिए गए हैं और ये भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो आगे आने वाले समय में सख्ती बरती जाए। सावधानी बरती जाएगी, जागरूकता बढ़ाई जाएगी और साथ में जो वैक्सीनेशन है, वैसे तो हमारे यहाँ पहले ही हो चुका है, अब बूस्टर डोज सभी से हमारा अनुरोध है कि बूस्टर डोज लगाएं। और चूंकि सभी जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं उस पर काम कर रहे हैं और ज़रूरी जो सतर्कता बरती जा रही है, हर प्रकार की सावधानी बरती जा रही है। भारत सरकार के जो भी दिशा निर्देश हैं उसके आदेशों के क्रम में हम लोग यहाँ पर भी कार्रवाई करेंगे। तो कोरोना के बढ़ते खतरे के बाद अब आगरा प्रशासन भी सतर्क हो गया है। ताजमहल का दीदार करने पहुंचे विदेशी पर्यटकों की रैंडम सैंपलिंग हो रही है, जिसके बाद उन्हें एंट्री दी जा रही है। इसके अलावा होटल मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी पर्यटकों की डिटेल्स संभाल कर रखी जाए। कोरोना के नए वेरियंट ने पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं एक पैनिक फैला रखा है। कई सारे देश इस समय जबरदस्त चपेट में हैं और यही वजह है कि ताज आने वाले जो भी विदेशी टूरिस्ट हैं उनको बिना आरटीपीसीआर टेस्ट के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें ताजमहल के पूर्वी और पश्चिमी गेट पर लगी हुई हैं और जो आपको जो विदेशी जो टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं ये यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए से बिलोंग करते हैं और जैसे ही ये ताजमहल में एंटर करने को हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इनको रिक्वेस्ट की, इनका आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ और अब इनको अंदर जाने दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कुल मिला के चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, ऐसे देशों को लेकर ज़्यादा सेंसिटिविटी बरती जा रही है। अब इनका सैंपल ले लिया गया है। हमारे साथ हैं डिप्टी नोडल अनिल सत्संगी जी, आप बताइए कि आपने सैंपल ले लिया तो लेकिन कितने देर में रिपोर्ट आएगी, कैसे कैसे क्या मैकेनिज्म? ये रिपोर्ट कल तक आ जाएगी और इनका जो मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर पे ये हम जो इस पर रिपोर्ट हमारे जिस लैब कोविड लैब का रिपोर्ट साइट है वो दे दिया जाता है और उस पर अपलोड होता है। प्राथमिकता पर विदेशी टूरिस्ट हैं? जी जी जी, अच्छा। विदेशी भी हैं, जो ट्रेवलर्स हैं और अदर स्टेट के भी हैं जहाँ पे सस्पेक्टेड कंडीशन देखा जा रहा है उनको भी हम लोग ज़्यादातर पूछे कर रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना की आहट के मद्देनज़र पैनिक फैला हुआ है और लगातार लोग अब इसको लेकर प्रिकॉशन भी बरतने लगे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। तो एबीपी गंगा भी आपसे अपील करता है कि दुनिया भर में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं, हालांकि भारत में हालात बेहतर है। क्रिसमस और नया साल करीब है, त्योहार और नए साल की खुशियों में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए सावधानी बेहद जरूरी है। और ऐसे में एबीपी गंगा आपसे अपील करता है कि कोरोना पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित। मैनपुरी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मैनपुरी में एक वैन में अचानक से भीषण आग लग गई। गैस रिफिलिंग के दौरान ये आग लगी और आग लगने से वैन जलकर राख हो गई है। मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, मैनपुरी से तस्वीरें सामने आई है जहां अचानक से इस वैन में आग लगी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। गैस रिफिलिंग के दौरान बताया जा रहा है कि आग लगी जिसके चलते पूरी जो वैन है वो जलकर राख हो गई है। मैनपुरी का पूरा मामला है और अब ये तस्वीरें भी सामने आई है और आप देख सकते हैं कैसे धुंधू कर ये पूरी वैन जलकर राख हो गई। गैस रिफिलिंग के दौरान अचानक से इस वैन में आग लगी जिसके बाद वैन जलकर राख हो गई है और अब ये जो वीडियो है ये भी सामने आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी गंगा पर आप इस वक्त देख रहे हैं किस तरीके से ये वैन पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। गैस रिफिलिंग के दौरान अचानक से इस वैन में आग लगी और देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया।
अब एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पल्लो बैठे हो तो मैनपुरी से ये तस्वीरें सामने आई है और ये देख सकते हैं आप किस तरीके से इस वैन में गैस रिफिलिंग के दौरान ये आग लगी और देखते देखते जो पूरी वैन थी वो जलकर खाक हो गई। और अब खबर महोबा से है जहां महोबा डिपो के रोडवेज बस में अचानक से आग लग गई। बस में भीषण आग से हड़कंप मच गया। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। बता दें कि राज से महोबा की तरफ ये बस जा रही थी। पुल पहाड़ कोतवाली के सुगीरा गांव की घटना है। तो बस में जो सवार सभी 15 यात्री थे वो सुरक्षित हैं, ये राहत की बात है। राज से महोबा की तरफ ये बस जा रही थी जिसमें अचानक से आग लग गई और अब ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से चलती बस में अचानक से आग लगी जिसमें कई जो यात्री थे वो भी मौजूद थे। लेकिन राहत की बात यह है कि जो सभी 15 यात्री हैं वो सुरक्षित हैं। महोबा से ये तस्वीर है और आप देखिए इस बस में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को मौके पर सूचना दी गई और हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन ये तस्वीरें भी अब सामने आई है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जद्दोजहद की जा रही है इस आग पर काबू पाने की और वहां मौजूद लोगों ने इस घटना को अपने कैमरे में कैद किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।